हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिल्म में आयु पे। तो दोस्तों, शाहरुख खान की डंकी मूवी और सलार मूवी के बीच में बिग क्लैश होने वाला है और शाहरुख खान के फैन बोलते हैं भाई डंकी मूवी बहुत चलेगी, हम तो डंकी ही देखेगी। और सलार मूवीज के फैन का कहना यह है कि हम सलार देखेंगे और सलार मूवीज ज्यादा चलेगी और हमारे जैसे लोग दोनों मूवी देखते हैं। तो दोस्तों, डंकी मूवी मैंने देख ली और डंकी मूवी देखने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस निकल गया है, मैं अगर आपको एक लाइन में रिव्यू करके बताऊँ तो यार मुझे तो ये मूवी ठीक ठाक सी मूवी लगी। स्टोरी की बात करें तो दोस्तों, स्टोरी वही है जो ट्रेलर में हमको देखने को मिलता है। जो चार पांच मेन कैरेक्टर होते हैं उनको दोस्तों विदेश यानी कि लंदन जाना होता है, लेकिन दोस्तों उनका वीजा नहीं लगता है तो वो एक इल्लीगल रास्ता चॉइस करते हैं लंदन जाने के लिए। तो दोस्तों वो क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, यही सब दोस्तों आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। मूवी की दोस्तों सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ तो दोस्तों इस मूवी का मैसेज है जो सच में बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने बताया है। लेकिन बाकी सब चीज़ की बात करें तो वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा फीका नज़र आता है। जैसे कि दोस्तों स्टोरी की बात करें, स्टोरी प्रेजेंटेशन की बात करें, वो दोस्तों मुझे तो फीकी लगी। और उसके साथ साथ जो कॉमेडी और ड्रामा दिखाया है वो कुछ जगहों पर अच्छा लगता है लेकिन कुछ जगहों पर इतना फर्क नहीं करता। मूवी के दोस्तों एक्टिंग की बात करें तो मुझे सबसे ज़्यादा जिसकी एक्टिंग पसंद है वो थे दोस्तों विकी कौशल। उन्होंने जो एक्टिंग करी है वो सबसे बेस्ट लगी मुझे इस मूवी में। बाकी सब एक्टर्स जैसे कि शाहरुख खान, वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं लेकिन उनकी बेस्ट एक्टिंग इस मूवी में तो मुझे नहीं लगी। और सब एक्टर्स ने भी ठीक ठीक सा काम कर लिया। राजकुमार ईरानी की जो पहले की मूवीज थी उसी तरीके से इस मूवी के अंदर ड्रामा के साथ हमको एक इमोशनली टच देने की कोशिश की, लेकिन वो इमोशनली हमको ज़्यादा टच नहीं कर पाते क्योंकि इसका मेन रीज़न है इस मूवी की एक्टिंग। जहाँ पे आप देखते हो शाहरुख खान और तापसी पन्नू का जो इमोशन हमको दिखाने की कोशिश की है, जो इमोशनल टच देने की, वहाँ पे हमको ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते। और उसका ही अपोजिट विकी कौशल ने जो अपने एक्टिंग के दम पर अपने कैरेक्टर को जिस तरह से साबित किया है, वो जो इमोशनल टच हमको देखने को मिलता है वो सीधा जाके दिल पर लगता है। बाकी तो ओवरऑल दोस्तों आप इस मूवी को थिएटर में जाके देख सकते हो, फैमिली के साथ जाके भी देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा इस मूवी से आप उम्मीद लगाकर मत जाना। और जो एक्शन और मास के फैन है वो लोग तो इस मूवी से यार थोड़ा दूर ही रहना। तो दोस्तों डंकी मूवी को मैं रेटिंग देना पसंद करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार। इसी तरह दोस्तों मूवीज, वेब सीरीज और एनीमे के रिव्यू देखने के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहे, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। फिर मिलेगा दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।